जहां दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई योजना लागू की है जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। उस योजना के तहत किन परिवारों को यहां पर लाभ मिलने वाला है, क्योंकि लॉकडाउन 21 दिन का किया गया, इस दौरान जो है कई परिवारों का इसका लाभ मिलने वाला है। 1,70,000 करोड़ की योजना यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाई है और इस योजना के तहत गैस सिलेंडर या 3 महीने तक 5 किलो गेहूं 5 किलो अनाज किन परिवारों को मिलेगा, खाते में कितने पैसे आपके आ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी योजना के तहत, ये बड़ा ऐलान किया। जी हाँ दोस्तों, गरीब कल्याण योजना के तहत है अब 1,70,000 रुपए का यहाँ पर विशेष पैकेज जो है गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस महामारी के दौरान अनाउंस किया है। इसके दौरान अगर बात करें तो किन गरीबों को यहाँ पर फायदा मिलेगा, एक एक करके आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप पूरी जानकारी देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर किन को इसका लाभ मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि गैस सिलेंडर की बात की जा रही है, 3 महीने गैस सिलेंडर आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा और इस योजना का लाभ उनको ही मिलेगा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लिए हैं। जहां दोस्तों गरीब परिवारों को ये बड़ा लाभ यहाँ पर सरकार का अनाउंस है, इसलिए बड़ा अनाउंस किया। इसके साथ ही कई बड़े और भी यहाँ पर जो है अनाउंस किए हैं, जो कि लॉकडाउन के द्वारा कई ऐसे जो यहाँ पर मिस्त्री लोग होते हैं, यहाँ पर मनरेगा के कारीगर होते हैं या यहाँ पर मजदूर होते हैं, वो अब काम पर नहीं जा पाए, क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस महामारी के दौरान आप घर पर ही रहिए और घर पर ही अब प्रधानमंत्री मोदी जी हर किसान गरीब को यहाँ पर लाभ देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मनरेगा के मजदूर जो है उनके लिए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1,000 रुपए मनरेगा के लिए यहाँ पर ट्रांसफर कर चुकी है सरकार के लिए और पूरे भारत वर्ष में मनरेगा के मजदूरों के लिए जो है एक बड़ा ऑफर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। इसके अलावा अगर बात करें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जिनके खाते हैं तो उनको 500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 माह तक यह योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान है। इसके अलावा अगर बात करें किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, जनधन खाता धारकों के लिए तो बड़ा सौगात है। इसके अलावा यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी 2,000 रुपए यहां पर किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर खातों में डालना शुरू कर दिए हैं। तो पीएम का ये बड़ा ऐलान यहां पर इस वक्त यहां पर आया है सामने। इसके अलावा अगर बात करें तो वृद्धा पेंशन या यहां पर विकलांग पेंशन में भी यहां पर बढ़ोतरी की गई है, 1,000 रुपए आपको 3 महीने तक यहां पर अलग से सरकार देने जा रही है। तो ये बड़ा कदम यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो स्वयं सहायता समूह के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहां पर 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए की यहां पर योजना रखी है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान है, 22 लाख की स्वास्थ्य बीमा की जगह अब उनको 50 लाख का बीमा दिया जाएगा। कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान किया है कि कम से कम 100 कर्म संगठन के काम करने वाले यानी 15,000 से कम मासिक वेतन पाने वाले यहाँ पर कर्मचारियों के लिए 24% पीएम यानी वहन करेगी सरकार और नौकरी पेशा करने वालों को भी यहाँ पर फायदा देगी सरकार। 1 अप्रैल से मनरेगा के वेतन में 20 रुपए की बढ़ोतरी भी यहाँ सरकार ने की है। वरिष्ठ नागरिकों को यानी दिव्यांग और विधवा पेंशनों के लिए यहाँ पर 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों ये योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन गरीबों के लिए की है जो कि सक्षम नहीं है, इस दौरान जो कि कामकाज नहीं चल रहा है, बंद है, इस कारण प्रधानमंत्री उन्होंने सहायता राशि दी है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और अपील की है उन लोगों से जो कि सक्षम है और दान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने साफ तौर पर अपील की है कि अगर आप देश के लिए इस वक्त मदद करेंगे तो आपका काफी अहम योगदान देश की इस जो महासंकट इसमें रहेगा, क्योंकि एक एक पैसे से ही देश चलता है और देश के लिए इस वक्त कई बड़े बिजनेसमैन या कह सकते हैं कि जो सक्षम है उनकी जरूरत है। तो उनसे आग्रह विनम्र निवेदन रहेगा कि आप प्लीज आगे आकर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जो अपील की है उसमें सहयोग अपना जरूर करें। तो दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री मोदी जी को एक अच्छा नेता मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। जय हिंद, जय भारत।